हेलो 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 गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज का चैप्टर है अव्यय। जी हाँ, बिट्टू कुमार करें और लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। जल्दी से आप लोग चैनल या वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। आप लोग जुड़ने में लेट करते हैं तब तक तो क्वेश्चन 10-12 हो जाती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टार्ट की जाए? आर यू रेडी गाइस? जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या आप लोग तैयार हैं स्टार्ट करने के लिए? अनुपमा कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू वीडियो है, न्यू सेशन के साथ न्यू जज्बा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब वाह वाह अव्यय है। जी हाँ, बताइएगा कि वाह वाह अव्यय है तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? जल्दी से बच्चों बताना है। ऑप्शन ए है आश्चर्य बोधक, बी है शोक बोधक, सी है स्वीकार बोधक और डी है हर्ष बोधक। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। कम ऑन फास्ट गाइस। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए वाह वाह, आप लोग कहते हैं ना वाह क्या बात है, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं या शोक या स्वीकार होता है। अमित कुमार का आंसर आ चुका है, इनका आंसर आया है ए। याद रखिएगा इसका सही आंसर सतीश राज आए हैं, उनका आंसर भी ए आया है। और बाकी बच्चे जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि वीडियो को आगे हम लोग बढ़ा सकें, आप लोग का क्वेश्चन छूटे ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है वाह वाह, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीकार, हर्ष की बात कर रहा है। वाह क्या बात है, वाह हम लोग जीत गए, इसका मतलब हुआ हर्ष की बात है, खुशी की बात है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका दो है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का व्याकरणी कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाता है। ये तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिलीव द राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। याद रखिएगा दो नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, याद रखना है अव्यय कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं क्या होगा। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा, बी है संबंध बोधक हो जाएगा, सी समुच्चय बोधक और डी विस्मयादि बोधक हो जाएगा। बताइएगा जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिट्टू कुमार का आ गया है ऑप्शन ए, याद रखना है बिट्टू जी आपका तीन नंबर प्रश्न का आंसर ए बनाए हैं। रवि रंजन जी जुड़े हैं, श्रुति सिन्हा बहुत दिन के बाद दिखे हैं। आप देखते हैं कितने बच्चे अपना आंसर कमेंट करते हैं।
चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे बच्चों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 4 से एक बार डायरेक्ट 5 आ गया, 5 से 6 है, 4 नंबर प्रश्न गायब है। अच्छा कोई बात नहीं, 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइएगा अव्यय के कितने भेद होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है उसका आंसर बताइएगा, 5 नंबर प्रश्न का आंसर है अव्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो जल्दी से बताइएगा मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आज आप लोग का टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 होगा, याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा 5, अव्यय के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध हो कहलाता है, जिस अव्यय से स्थान या जगह का बोध हो उसे क्या कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न का आंसर डालें, सभी को 6 नंबर प्रश्न का आंसर डालेंगे कि जिस अव्यय से जगह या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कालवाचक, बी है स्थानवाचक, सी है रीतिवाचक और डी है परिमाणवाचक। जल्दी से बताइएगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग है बउआ, हाय सर, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है श्रुति सिन्हा का बी है, स्लीपी कार्ड का बी है, सतीश का बी है, बिट्टू का बी है। चलिए बच्चों बहुत अच्छा, नीरज कुमार का है, इसका सही आंसर स्थानवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई लोग। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 7 है, जिस अव्यय से रीति का बोध हो उसे कौन सा अव्यय कहेंगे, कौन सा वाचक अव्यय हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर देना, ऑप्शन ए है कालवाचक, बी है स्थानवाचक, सी है रीतिवाचक और डी है परिणामवाचक। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सोचने की बात है ही नहीं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रीतिवाचक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया श्रुति जी, सिल्फिक कार्ड गेम, रवि अंजन, अमित कुमार और सतीश राज का भी आंसर सही है, जिसका आंसर सी है, श्रुति सिन्हा का भी सी है। बहुत अच्छा लगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है जिस अव्यय से परिणाम या मात्रा का बोध होता है कहलाता है। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाई लोग जल्दी से आप लोग बताइएगा, मेरे शेयर से भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। परिणाम या मात्रा का बोध होगा उसे कौन सा अव्यय कहेंगे। सोनू कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कल का वीडियो आप लोग लाइक किए थे, आज भी लाइक करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसा कि बाकी बच्चे का भी आंसर डी आया है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 9 है, जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो कहलाता है। जी हाँ दोस्तों याद रखें, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग राहुल जी। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है, जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो कहलाता है। जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कालवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी है रीतिवाचक और डी है परिमाणवाचक। इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों, जल्दी से बताइएगा। जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक अव्यय कहेंगे, जैसा कि आप लोग का कमेंट है, रवि रंजन कुमार का है, स्लीपी कार्ड गेम का है और श्रुति सिन्हा का सही है, राहुल कुमार का भी बी है, नीत कुमार का भी बी है। बहुत अच्छा लगा बच्चों, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही आंसर कमेंट करते रहे तो आप लोग देखिए थोड़ा दिन में ही आप लोग अच्छा करने लगेगा, जैसा कि आज कर रहे हैं। अगला प्रश्न उसको देखिए, जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बतलाता है कहलाते हैं। जल्दी से बताएगा कि जिस अव्यय, जो अव्यय वाक्य के दो जो पदों का एक दूसरे से संबंध बतलाता है उसे क्या कहते हैं। अंकित राज जुड़ गए हैं, उनका भी आंसर बी है, बहुत बढ़िया। आप देखिए ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण कहेंगे, बी है संबंध बोधक कहेंगे, सी है समुच्चय बोधक कहेंगे और डी है विस्मयादि बोधक कहेंगे। जल्दी से बच्चों बताइएगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे।
ताकि आपका समय लॉस ना हो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। हे प्रभु, हे हरिराम, मेरा पेन गिर गया। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। 10 का बी बता रहे हैं, सतीश राज है, श्रुति सिन्हा का भी 10 का सी है, नीरज कुमार का सी है, मीत कुमार का भी बी है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी आ रहा है। एक बार जोरदार तरीका से आप लोग शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी और जुड़ जाएं। आप लोग के लगता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का कोई ग्रुप है ही नहीं, जैसे आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, या तो यह चाहते हो कि हम जब पढ़ रहे हैं जो दूसरा कोई नहीं पढ़े। चलिए, तो आप लोग लाइक भी कर दें वीडियो को तो अच्छा लगेगा हमें। तो जो अव्यय वाक्य के दोनों पदों को बताता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है 4। बहुत ठंड है भाई लोग, इसका सही होगा संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा भाई लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि जो अव्यय दो शब्द यानी कि दो शब्द या वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं। याद रखिएगा, दो शब्द को जोड़े या वाक्यांशों को जोड़े या वाक्य को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी है संबंध बोधक समुच्च बोधक, और डी है विस्मयादि बोधक। अमित कुमार, अंकित ब्रदर, बहुत दिन बाद आए हो। चलिए भैया, आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 12th की तरफ बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है कि जो अव्यय हर्ष शोक आश्चर्य तिरस्कार तथा संबोधन आदि का मनोभाव को प्रकट करते हैं कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, जो शब्द या जो अव्यय हर्ष शोक आश्चर्य तिरस्कार या संबोधन आदि का मनोभावों को प्रकट करते हैं कहलाते हैं। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है, जैसा कि श्रुति सिन्हा का 12 का डी है, सतीश का बी है, और बाकी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपको मैं पढ़ दूं, पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, बी में है आपका संबंध बोधक, सी है समुच्च बोधक, और डी है विस्मयादि बोधक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो श्रुति सिन्हा का बिल्कुल सही है, सोनू कुमार यादव का भी डी था। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उसे कहते हैं। बताइएगा, विशेष बल देते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा निपात कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 14 है कि जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध हो कहलाता है। जल्दी से बताइएगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मैं अब वेट नहीं करने वाला हूं क्योंकि आप लोग बहुत लेट करते हैं और बहुत सारे बच्चे आप लोग भाग जाते हैं क्लास छोड़ करके, तो इसमें आपका घाटा। एक गाना सुना, इसमें तेरा घाटा। तो यहाँ देखिएगा, आपको सतीश राज का आंसर ए आया है, श्रुति सिन्हा का ए है, रिया कुमारी दर्शन दिए हैं उनका आंसर ए है, रवि रंजन का ए है, नीरज कुमार का ए है, और देखिएगा बाकी बच्चे का क्या हो जाता है। आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और शेयर तो करवे करें, सही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सतीश का 15 का 15 भी नहीं आया बच्चा, संजय कुमार आ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीकारार्थक निपात हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 15 है, जिस निपात को अस्वीकार का बोध होता है कहलाता है। जो
निपात हो, उसका का हो, अस्वीकार हो, वो जो स्वीकार नहीं करता उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा नकारात्मक निपात हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 16 है, जिस निपात से मनाही का बोध होता है कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, जिस शब्द से मनाही का बोध होता है कहलाता है। मनाही का मतलब होता है निषेध, क्या होता है, निषेध होता है। आप लोग जानते हो कहीं कहीं पर जाते हैं तो कहता है ना कि धूम्रपान निषेध है, यानी कि मनाही है धूम्रपान करना। उसका सही आंसर बताना है 16 नंबर प्रश्न का। श्रुति सिन्हा का 16 का सी है, रिया का सी है, छोटी का सी है, संजय कुमार का सी है, स्लीपी कार्ड गेम का ए आया है, सतीश का सी है। आज अनुपमा जी हाय बोल करके कहाँ गायब हो गए, रवि रंजन जी आ गए हैं उनका सी है, मित कुमार का बी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेध बोधक निपात। याद रखना है दोस्तों, निषेध बोधक निपात हो जाएगा मनाही रहे तो। अगला प्रश्न है, जिस निपात से प्रश्न का बोध हो कहलाता है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, जिस निपात से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे कौन सा निपात कहते हैं। इसमें तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, जिस निपात से प्रश्न का बोध हो प्रश्न बोधक निपात कहलाएगा। रिया का ए है, श्रुति सिन्हा का डी है, रिया का डी थी। अब यहाँ देखिए सतीश राज का भी 17 का डी है, छोटी का 17 का डी है, तो इसका सही आंसर रवि रंजन का भी डी है, और चलिए संजय का भी डी है, और बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नीरज कुमार का भी डी है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर डी हो जाएगा मित्रों, लाजवाब मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, जिस निपात से किसी बात पर बल पड़ता है कहलाता है। जिस निपात से किसी बात पर बल पड़ता है कहलाता है। जल्दी से बताएगा, बल प्रदायी निपात भी में है, नकारार्थक निपात, सी है निषेध है बोधक निपात, और डी है प्रश्न बोधक निपात। चलिए मेरे शेर और सुनियो, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे आंसर इसका। श्रुति सिन्हा का ए है, रिया का ए है, और बाकी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, संजय कुमार का ए है, रवि रंजन का ए है। चलिए तो इसका सही आंसर 18 का, छोटी का भी 18 का ए आया है। इसका सही आंसर बल प्रदायी हो जाएगा निपात, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया लग रहा है। अगला प्रश्न है उसको देखिए, जिस निपात से तुलना की जाती हो कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, जिस निपात से तुलना की जाती हो कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। और आप लोग को एक खुशखबरी दे सकता हूँ, खुशखबरी यह है, याद रखिएगा, हैप्पी मोमेंट है। खुशखबरी में बात करें तो आज हम लोग खुशखबरी की बात करें तो आज 10th का, जी हाँ 10th का जो मॉडल पेपर है उसको आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। याद रखना है दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं खबर फैला दीजिए कि जो 10th क्लास का मॉडल पेपर आज कराई जाएगी इस क्लास के तुरंत बाद। तो दोस्तों आप लोग तैयार हैं तो यस बोलिएगा। 10th क्लास वालों जल्दी से अपना जो है कमेंट पास करेंगे कि क्या आप लोग तैयार हैं। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो आप लोग जानते हैं 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तुलना की जाती हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, जैसा कि श्रुति सिन्हा का बी है, संजय कुमार का बी है, रिया का बी है, नीरज का बी है, स्लीपी कार्ड गेम का सी था, और सतीश का बी है, अमित का बी है, छोटी का बी है, और दिलखुश का सी है। तो यहाँ देखिएगा बिट्टू कुमार यस सर बोले हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, जिस निपात से अवधारणा का बोध हो कहलाता है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, जिस निपात से अवधारणा का बोध हो कहलाता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अवधारणा का बोध हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर, रिया का बी आया, छोटी का बी है, श्रुति सिन्हा का बी है, संजय कुमार का बी है, और अमित का भी बी है, रवि रंजन का बी है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा। और एक
बात कह दूं कि कल आपका का हो जाएगा, तो क्वेश्चन बैंक का आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। सभी बच्चों ध्यान से सुने, क्वेश्चन बैंक कल से आएगा। क्वेश्चन बैंक दोस्तों याद रखें, आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराए जाएंगे। जितने बच्चे हैं कल जुड़ना ना भूलें, याद रखना दोस्तों। 12th वाले और जो 10th वाले दोस्त हैं, सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कल। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिस निपात से अवधारणा का बोध हो, अवधारणा बोधक निपात कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 21 है, जिस निपात से आदर की भावना प्रकट होती है कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस निपात से क्या हो, तो आदर की भावना प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा, आपका 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। किसमें बच्चे कितने देते हैं, रिया का सी है, श्रुति सिन्हा का सी है, छोटी का सी है, मीत कुमार का सी है, संजय कुमार का सी है, और बाकी बच्चे को देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हर 1 मिनट में आपका क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो यहां देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आदर बोधक निपात हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आंसर दे रहे हैं। जिस निपात से विषम्य प्रकट होता है कहलाता है। जी हाँ बच्चों, 22 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। जिस निपात से विषम प्रकट होता है, उसे कौन सा निपात कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। रिया जी का डी आया है, आज तो रिया जी कमाल कर दे रहे हैं, सबसे पहले आंसर कर रहे हैं। छोटी का भी डी है, संजय कुमार का डी है, सतीश का डी है, और बाकी बच्चे जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभिरंजन, अमित और नीरज का भी ऑप्शन डी दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 23 है, परीक्षा में चोरी मत करो। जी हाँ, परीक्षा में चोरी मत करो, यहाँ मत कौन सा निपात है। जल्दी से बताइएगा, इसमें परीक्षा में चोरी मत करो, यहाँ मत कौन सा निपात है बच्चों। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको निषेध बोधक निपात हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई लोग। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। आप ही कल आए थे ही कौन सा निपात है। जी हाँ, याद रखना, आप ही कल आए थे, इसमें कौन सा निपात हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। श्रुति सिन्हा का 23 का सी बता रहे हैं, यहां देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल प्रदायक निपात कहलाएगा, ऑप्शन आपका सी कहलाएगा। पर बल प्रदायी नहीं होगा, बल प्रदायक निपात हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मित्रों। अगला है, कर्ण सा दानवीर कौन है। कर्ण सा दानवीर कौन है, इसमें कौन सा निपात है। जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा निपात है। जल्दी से बताना है कि कर्ण सा दानवीर इसमें कौन सा निपात है। बताइएगा कौन इसका आंसर सही दे सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि कर्ण जो है इसके जैसा कोई दानवीर नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सादृश्यता बोधक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों। रवि संजय कुमार का है, रवि रंजन का सी है, दिलखुश का बी है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी आ रहा है। अब देखिए, काश आज वर्षा होती, इसमें काश जो है कौन सा निपात है बच्चों। जल्दी से बताइएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। जल्दी से बताइए, काश आज वर्षा होती, तो काश कौन सा निपात है। ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सी। चलिए बच्चों जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर रिया जी का डी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा जी।
अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर आपको कमेंट करना है मित्रों। तो कौन सा निपात होगा, थोड़ा कौन सा निपात होगा, अल्टर नीतीश यादव आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नाम के साथ साथ आपका कमेंट भी दमदार आनी चाहिए, आपका उत्तर भी शानदार होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ देखिएगा रिया का भी है और यहाँ देखिए नीरज कुमार का भी है, थोड़ा कौन सा निपात है, जल्दी से बताना है थोड़ा कौन सा निपात है। ऑप्शन ए है आदर बोधक, बी है परिणाम बोधक, सी स्वीकारथक बोधक और निषेध बोधक। जल्दी से बताइएगा आपको थोड़ा कौन सा निपात लग रहा है। 27 नंबर प्रश्न का सभी बच्चों का आंसर बी आया है, इसका मतलब है ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा बच्चों, परिणाम बोधक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ये सब आपको कहा हो जाएगा तो परिणाम बोधक निपात कहलाएगा। कभी कभी कौन सा अव्यय है, कभी कौन सा अव्यय है, ऑप्शन ए है काल बोधक, बी है स्थान बोधक, सी है रीतिवाचक और डी है परिणाम वाचक निपात। तो जल्दी से बताएगा कभी कौन सा अव्यय है, हम लोग कहते हैं ना कि कभी और आ जाएंगे, कभी और खा लेंगे। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है जल्दी से। 28 का श्रुति सिन्हा का यह है, रिया का सी है और यहाँ अल्टर जो है अल्टर 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 नीतीश यादव का ए है, 28 का सोनू का ए है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा काल बोधक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। दिलखुश कुमार का भी है आंसर ए। बाहर कौन सा निपात है, बताइएगा बाहर कौन सा अव्यय पूछ रहा है, बाहर कौन सा अव्यय हो जाएगा मित्रों, जल्दी से आप लोग को आंसर करना है। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में है कालवाचक, बी है स्थानवाचक, सी है रीतिवाचक और डी है परिणामवाचक। तो जल्दी से बताएगा बाहर कौन सा अव्यय हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का आंसर श्रुति और रिया कुमारी संजय कुमार का बी है, अमित कुमार का भी बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा, छोटी आए हैं उनका भी आंसर बी है। और सतीश सोनू नीरज सभी का आंसर बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर बी हो जाएगा जी। चलिए आप लोग तो आंसर देकर छत ला दिए एकदम। अगला प्रश्न है कौन वैसे कौन सा अव्यय है, वैसे कौन सा अव्यय है बच्चों, जल्दी से आपको बताना है वैसे कौन सा अव्यय हो जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 31 है कुछ, कुछ कौन सा अव्यय हो जाएगा, कुछ कौन सा अव्यय है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए में है कालवाचक, बी है स्थानवाचक, सी है रीतिवाचक और डी है परिणामवाचक। तो जल्दी से मित्रों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। राधा जी आ गए हैं, राधा जी का आंसर डी है, श्रुति सिन्हा का डी है, संजय का डी है, तिलखुश का 31 सी का 30 का सी है और यहाँ देखिए सारे बच्चे का अल्टर नीतीश यादव का भी डी है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ जो हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों ऑप्शन आपका अभी मैं बतलाया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, परिणाम वाचक अव्यय होगा। अगला प्रश्न है हाँ, हाँ कौन सा निपात है बच्चों, जल्दी से बताइएगा हाँ कौन सा निपात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है आदर बोधक, बी है तुलना बोधक, सी है स्वीकारथक और डी है निषेध बोधक। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर जैसा कि श्रुति सिन्हा का सी आया है और यहाँ देखिएगा जल्दी से आंसर आएगा, संजय कुमार का ए है, राधा का सी है, छोटी का सी है और यहाँ देखिए रिया का सी है। और यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं जो बच्चों ने आंसर दिए हैं, दिलखुश कुमार का सी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ हो जाएगा, स्वीकारथक बोधक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग आंसर कर रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं कौन सा निपात है, जी नहीं कौन सा निपात है, जल्दी से बताना है जी नहीं कौन सा निपात है। चलिए बच्चों जल्दी से बताया जी नहीं कौन सा निपात हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का आंसर आया है डी, जैसा कि आपका राधा जी का और श्रुति
रिया, अमित, सतीश, नीतीश, संजय का डी है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जी नहीं, इसका मतलब नकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन 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 सा निपात है, जी हाँ कौन कौन सा निपात हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग एक बार जो डा तरीका से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से आप लोग शेयर करें, उसके बाद मैं मजेदार क्वेश्चन लाने वाला हूँ। चलिए रिया कुमारी का भी है, श्रुति सिन्हा का भी है, राधा का भी है, और अमित कुमार का भी है, और देखिएगा सतीश का भी है, छोटी का भी है, स्टडी विथ शिवांश का राज आए हैं उनका भी ऑप्शन बी है, संजय कुमार का भी है, अल्टर नीतीश का भी है, दिलखुश का भी है, नीरज कुमार का भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न बोधक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन सा निपात होगा, तो प्रश्न बोधक निपात हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, सा सा कौन सा निपात है, जल्दी से बताएगा सा कौन सा निपात हो जाएगा। ऑप्शन ए है आदर बोधक, बी है सादृश्यता बोधक, सी है स्वीकारथक बोधक, और डी है निषेध बोधक। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नीतीश कुमार बता रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अभी तो पीडीएफ का व्यवस्था नहीं किया गया है नीतीश जी, अभी आप लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। रिया कुमारी का भी है, छोटी का भी है, अमित कुमार का भी है, संजय कुमार का भी है, श्रुति सिन्हा का भी है, दिलखुश कुमार का भी है, सतीश कुमार का भी है, नीरज कुमार का भी है, राधा का भी है, और नीतीश कुमार का भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सा कौन सा निपात है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों, याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है, इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, अच्छा लगा मुझे। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए फिर मैं आता हूं थोड़ी देर में, आपका 10th का, जी हाँ 10th का जो मॉडल पेपर है उसको मैं करवाऊंगा। जितने सारे बच्चे हैं 10th वाले, और रुक जाइएगा सर कितना बजे से क्लास होता है, 7 बजे से होता है जी, याद रखिएगा 7 बजे से होगा सर। और अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं होगा क्या? होगा होगा, तो कल तो बोला हूं मैं ना कि आप लोग का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराई जाएगी, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या तो हिंदी इंग्लिश जो भी हो, कल से आपका क्वेश्चन बैंक कराई जाएगी। श्रुति सिन्हा आपका कौन सा क्लास है, 11th है, 12th है, 10th है, जल्दी से आप अपना अपना क्लास का नाम बता दे, उस आपको कहा होगा क्लास का वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जल्दी से अपना अपना क्लास बता दीजिए, जिसके कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका वीडियो कब आएगी। श्रुति सिन्हा 12th क्लास साइंस है आपका। चलिए और बच्चे जल्दी से अपना कमेंट कर देंगे कि किसका सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसका वीडियो आपको आएगा। अमित कुमार 10th क्लास, ठीक है। और सारे बच्चे जल्दी से बताइएगा, 10th वालों, 12th वालों, जितने भी बच्चे या तो कंपटीशन वाले, ठीक ना, जो भी हो जल्दी से आप लोग बताइएगा। सतीश राज 10th है, कंपटीशन है शिवांश का राज। चलिए जल्दी से आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका सही सही अपना अपना। यस सर साइंस है, ठीक है। बीटू कुमार 10th है,
चलिए ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। दिलखुश कुमार टेंथ है, तो टेंथ वाले याद रखिएगा, अभी मैं मॉडल पेपर आप लोग के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं टेंथ का, जो भी आपको आर्ट्स आर्ट्स का ट्वेल्थ ठीक है, सभी का आपको आएगा। कल से आपका लगातार वीडियो चलती रहेगी, याद रखिएगा। तो अभी टेंथ वालों आप लोग का वीडियो आ जा रहा है, ट्वेल्थ वाले भी जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो मॉडल पेपर होंगे उसमें याद रखना है कि 60 क्वेश्चन ग्रामर यानी कि व्याकरण से रहेगा आज का। तो ट्वेल्थ वालों या आर्ट्स हो या तो साइंस हो, ठीक है, आर्ट्स हो या तो साइंस हो, याद रखना है दोस्तों, ये सभी का काम करेगा। तो यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं आधा घंटा के बाद आपके सामने प्रेजेंट होता हूँ, 30 मिनट वेट कीजिए, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए जय हिंद।